वन्दितुषं सिद्धि धूमचल्मणागंगयं पत्ते वक्षामि समर्पाहं मृणमाशुं केवलीवनिदं नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चेष्टवावाय वावाये सर्वभावान्तरच्छदे। जब बहुत सारे विषय हमारे दिमाग में होते हैं तो कौन सा विषय मुख्य किया जाए ये बड़ी तकलीफ होती है। फिर भी इस बार निर्जराधिकार लेने का विकल्प किया है, उसमें सम्यक दृष्टि के 8 अंग की मुख्यतः से चर्चा करेंगे, बाकी सब भूमिका रहेगी। सम्यक दृष्टि के 8 अंग मुख्यतः से रहेंगे। निर्जरा क्या चीज है पहले निर्जरा समझ लें अपन। 7 तत्व के नाम तो सबको मालूम है, क्या क्या नाम है? जीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष। पहले थोड़ा सा सरल भाषा में कहेंगे, फिर इसकी चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर चर्चा है। जीव माने ज्ञाता दृष्टा प्रभु, प्रभु है ज्ञाता दृष्टा है, ज्ञाता दृष्टा होने से प्रभु है, ध्यान रखना। अपना कार्य करने से प्रभु है, प्रभु समझते, प्रभु माने अपना कार्य करने में समर्थ। प्रवचन सार जी में स्वयंभू की गाथा है ना, 16 नंबर की, स्वयंभू द्रव्य स्वयंभू है, गुण स्वयंभू है, पर्याय भी स्वयंभू है। स्वयंभू माने अपना कार्य करने में इंडिपेंडेंट। जी माने ज्ञाता, जी माने ज्ञाता, अपन सब कौन है? ज्ञाता है, जी है। एक बात हो गई, एक तत्व हो गया जीव। और जहां मेरा ज्ञान दर्शन नहीं है वो सब अजीव, जहां मेरा ज्ञान दर्शन नहीं है, सुख नहीं है, वहां सब अजीव। अभी 7 तत्व की चर्चा नहीं लेना इस बार, नहीं यहां विस्तार करते हैं हम थोड़ा, यहां विस्तार लायक बात है। मैंने कह दिया ना विस्तार करने लायक, तो आप विस्तार कर लेना। जहां मेरा ज्ञान दर्शन चार्य सुख वीर नहीं है वो सब अजीव है। हा हा हा, मालूम क्या कह गए हैं? स्त्री पुत्र आदि में, धन वैभव में मेरा सुख दुख ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है, इसलिए वो तो अजीव है ही, वो तो अजीव है ही। जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन सुख नहीं, माने अब पूरे विश्व में मेरा जीव माने ज्ञान दर्शन सुख नहीं, तो वो सब अजीव। लेकिन अरंत सिद्ध भगवान भी मेरे लिए तो अजीव है, क्योंकि उसमें मेरा ज्ञान दर्शन सुख चारित्र नहीं है, वे उनके लिए जीव है, वे उनके लिए जीव है। स्त्री अपने आप में एक जीव है, स्त्री में एक जीव है, लेकिन वो मेरा जीव तत्व नहीं है। जीव अलग चीज है और जीव तत्व अलग चीज है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो सारे विश्व में कितने जीव तत्व हैं, कितने जीव तत्व हैं? एक ही है। आहा, इस अखिल विश्व में एक ही जीव है, बस ऐसी दृष्टि हो गई, बस सम्यक दर्शन हो गया, बस ऐसी दृष्टि, ऐसी प्रतीति, ऐसा वेदन हो गया, हो गया सम्यक दर्शन। अभी अभी गड़बड़ क्या चल रही है? अभी हमें सुख के बहुत सारे आधार नजर आते हैं, पर जहां सुख का आधार नजर आया उसे आपने जीव माना। बस क्या कहा, जहां सुख का आधार नजर आया, जहां जहां माने खालिस्तान, जहां माने खालिस्तान, भरो खालिस्तान भरो, कहां कहां सुख नजर आता है? अब ये तो हमने कही है। अब सोचो तो जरा, क्यों बहुत बढ़िया पढ़ाई क्यों कर रहे हो, बहुत बढ़िया कमाई क्यों कर रहे हो, दिन रात 24 आवर्स अपने उपयोग को कहां झोंक रहे हो, कहां झोंक रहे हो? अजीब में नहीं, जीव में। जीव में मतलब जहां हमने अपना ज्ञान दर्शन सुख चारित्र माना वहां कहां झोंक रहे, बोलो। क्या दूध मीठा करना हो तो नमक और शक्कर एक जैसे ही लगते हैं, तो कभी नमक डालने के लिए हाथ डाला, क्यों नहीं डाला?
नमक की ओर हाथ क्यों नहीं बढ़ाया मालूम है। तो कभी भी ऐसी प्रतीति है, प्रतीति भले ही पीसा हुआ नमक और बूरा शकर का बूरा दोनों एक जैसे नजर आते हैं, ऐसा होने पर भी एक बार तो धोखे से जानबूझकर कभी तो हाथ डालो, डालो नहीं, क्यों नहीं डालते बोलो। इसका नाम है सम्यक दर्शन, इसका नाम है पक्की प्रतीति कि नमक से दूध मीठा होने वाला, नमक से खीर मीठी होने वाली नहीं है, तो हम नमक में हाथ नहीं डालते। ये दृष्टांत हुआ। ऐसे एक बार थोड़ी देर बैठ के देखो तो सही, अपना ज्ञान दर्शन सुख है कहाँ, पहले देखो तो, पहले टेस्ट तो करो। लेकिन पूरा का पूरा डाल देते हैं, कहाँ डाल देते हैं उपयोग, अब कहाँ डाल देते हैं ये आप जाना। ध्यान रखना, अजीब को जीव जान करके उपयोग डालते हो, शब्द नहीं बोलते, शब्द तो ऐसे बोलते हो कि मैं जीव वालू अलग हूँ, पुद्गल अलग है, अजीब अलग है, ये सब बोलते तो हो, लेकिन सुख की आशा से जहां देखते हो उसका नाम जीव की दृष्टि। सुख की आशा समझ गए, सुख की आशा से जहां देखना उसका नाम क्या कहलाए वो जीव। खैर कोई बात नहीं, अब गड़बड़ अभी मैं इस पर प्रवचन नहीं करूंगा। अरे क्या गजब बात होगी, कैसा ज्ञानी पुरुष होता होगा जिसने जीव का स्वरूप जाना तो उसे अपने आनंद के लिए अनंत भगवान तक की याद नहीं आई। जब अपना आनंद अपने में नहीं हो पाया तो उस आनंद की विधि सीखने के लिए, समझने के लिए, पक्का करने के लिए अनंत भगवान याद आए। समझ में आया क्या कह रही? जब अपना आनंद अपने में नहीं ले पाए तो उपयोग कहीं ना कहीं तो जाएगा, तो सबसे पहले कहां गया? अरहंत सिद्ध भगवान के पास। ओहो, उन्होंने क्या कहा, मेरा सुख मेरे अंदर में है। वे अरहंत सिद्ध भगवान आत्मा में मग्न हुए, इससे मालूम पड़ गया सुख कहां है। बाहर में सुख शांति नहीं है। हे प्रभो शांत ना सागर दृष्टि थिर मुद्रा हमें बताती है। क्या बताती है? शांति सुचितांतर में है, बाहर से। देखो भगवान को देखो, देखो वास्तव में इसका नाम जिनेन्द्र देव का दर्शन। बाकी 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 नहीं, यही तुम्हें लगता है हमारा सुख इनमें है तो मिथ्या दृष्टि, हमारा आनंद इनमें है मिथ्या दृष्टि। कड़क बात लगती है एकदम, समझ आया? यदि हमें ऐसा लगता है प्रतिमा सफेद है, प्रतिमा सफेद है, भगवान सफेद है क्या? भगवान सफेद है कि नहीं? आह भैया, ये तो तेरे चर्म चक्षु से दिखते हैं, लेकिन ज्ञान के चक्षु से तो हमें अजीब नजर आती है। गजब देखो, अजीब का अर्थ क्या बोला? जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर्य स्थिरता प्रभुता विभुता, जिसमें कुछ नहीं वो अजीब। दो बात हो गई, दो तत्व हो गए, अपने आनंदमयी तत्व को भूल गए, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को भूल गए, अपनी प्रभुता को भूल गए, भूल गए, ध्यान से सुनना, भूल गए। इसका नाम आश्रव बंध तत्व। क्या कहा? इसका नाम आश्रव बंध तत्व। अपनी प्रभुता को भूलकर करोड़ उपवास करे तो भी आश्रव बंध, अपनी प्रभुता, प्रभुता समझ गए, प्रभुता को अभी अंग्रेजी में क्या बोला था? इंडिपेंडेंसी, टोटली इंडिपेंडेंसी। हा हा हा, उस तत्व को प्रभु नहीं कहते जो एक पर्याय के भी अधीन हो, उसको प्रभु नहीं कहते, उसको जीव तत्व नहीं कहते जिसे व्रतादि की भी पराधीनता होए। ये प्रभुता की बात चल रही हो अभी, ऐसे नहीं समझना कि व्रत उपवास नहीं करना, व्रत उपवास कैसे होंगे वो इसी में से आएगा, अभी इसी में से आएगा। हम क्यों कहें? इसी में से आएगा, ऑटोमेटिक आएगा। घबड़ाना नहीं भैया, ऐसे नहीं तो कोई घबड़ा जाए कि आप व्रत उपवास की भी पराधीनता नहीं। सच बात ऐसी है, बोलो व्रत उपवास जिसे तुम कहते हो ना, हम उसकी पराधीनता का निषेध कर रहे हैं। वास्तव में तो अरहंत सिद्ध भगवान अनंत विरक्त हैं, तो अनंत व्रत और अनंत काल तक आत्मा में मग्न रहेंगे, इसका नाम उपवास।
तो वास्तव में सच्चे व्रत उपवास करने वाले तो कौन है? अरहंत सिद्ध भगवान ही है, दिगंबर मुनि भगवान तो है, लेकिन वो जिसको तुम व्रत उपवास मानते हो ना फिजिकली देह का, उसकी बात नहीं है। आगे समझ में आया? आगे चले, कितने तत्व हो गए? आश्रव बंद, कब हुआ आश्रव बंद? अपनी प्रभुता को भूल कर। थोड़ा इसको और अच्छे से कहो, भूल कर तो क्या मानकर, नास्ती कह दिया ना भूल कर, तो अस्थि में क्या हुआ कि अपनी प्रभुता को बाहर ढूंढता हुआ, अपने आनंद को बाहर ढूंढता हुआ। क्यों ये शर्ट क्यों पहनी तुमने? 10 शर्ट होंगी, 5 होंगी, 8 होंगी, जितनी भी होंगी, उनमें से कौन से में सुख लगा? ये वाली शर्ट जमेगी भाव से, क्या ये वाली पहनी? अपना आनंद बाहर ढूंढता हुआ आश्रय बनता, तो आश्रय बन, समझ में आया कुछ? थाली में 10 प्रकार के व्यंजन हैं, तो क्या हाथ अलग अलग जगह पे क्यों जाता है? क्यों जाता है भलो, क्यों जाता है? अब रसगुल्ला, अब मीठा बहुत हो गया, अब नमकीन, अब नमकीन में भी हो गया, अरे अब चटनी, क्यों हाथ क्यों जाता है, किस आशा से जाता है? अपनी प्रभुता भूलकर बाहर में प्रभुता ढूंढना आश्रय बंद, दोनों आ गए, अपने भूलना ये आश्रय बंद और बाहर में ढूंढना ये भी आश्रय बंद। इसकी चर्चा यदि करेंगे विस्तार से तो बहुत दिन लग जाएंगे, इसलिए अपन ज्यादा नहीं कर रहे। इसके फल में पंच परावर्तन हो गए, इसके फल में पंच परावर्तन हो गया लगता है, कई बार ऐसा लगता है नहीं, अरे वो वाले, वो वाले, वो वाले समझे, वो उनका व्यापार अच्छा है, उनके बच्चे बढ़िया हैं, अपने यहाँ से होते तो निहाल हो जाते, ऐसा लगता है जीव को, शब्दों में नहीं बोलता, लगता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम भगवान के चरणों में मंद कसाय करके मांग रहे हो, तो एक बार एक काम करो, उसे और देख लो। मैं सरल दृष्टांत दूं थोड़ा सा, कर्म बंद की प्रोसेस क्या है, आश्रय बंद की बात चल रही है, कर्म बंद। कभी आप किसी दुकान पर जाओ कि सेठ जी कपड़ा क्या भाव है, तो बताया उसने, अरे सेठ जी ऐसा कपड़ा वहां तो सस्ता मिलता है, तो दुकानदार क्या बोलेगा? तो पहले वहां चले आ जाओ, पहले आप देख आओ, लेकिन देख लेना मार्का, देख लेना मार्का, नंबर क्या कहते जो भी, देख लेना वहां, ठगा मच जाए ना, होता कि नहीं होता है कि साहब ये CFL आप कितने की दे रहे हो? 150 रुपए की। अरे साहब आप जब करते हो वहां तो 50-50 रुपए की मिल रही, तब क्या बोलेंगे? तो ठीक है पहले आप वहां देख आओ, और पहले देख लेना भैया ये चिन्ह चिन्ह देख लेना वहां, समझ गए दृष्टांत? दो दृष्टांत दे दिए। ऐसे हम भगवान के पास आकर के भी कहते हैं प्रभु आपकी कृपा से सब सुख है, बस पत्नी थोड़ी बैसी होती, बैसी माने जैसी देखी है इसने एक आध, मैंने किसी और की पत्नी, ये दूर के ढोल स्वभाव में होते हैं ना, दूर के ढोल, तो ऐसा लगता है वो बहुत सुखी पेयर है, वो बहुत सुखी व्यापारी है, बहुत सुखी संपत्ति क्या है पिता है, तो ऐसे दूर दूर लगता है। तो भगवान कहते एक काम करो, पहले तुम देख आओ, देख आओ जा होकर निराश सब जग भर से, जब तुम निराश हो जाओ तब हमारे पास आना, पहले और देख आओ ये सब अमुक ग्रंथ पढ़े तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो ठीक है आत्मा को देखे भी ना तुम एक बार वो ग्रंथ भी देखे आ जाओ। इस जीव ने ऐसे ही किया, इधर देखे भी ना यही सोचा है प्रवचन कैसा होना चाहिए कि सम्यक दर्शन दातार, जिन वाणी कैसी होनी चाहिए कि सम्यक दर्शन दातार। अरे वो तो होती है नहीं, कब होती है, कब होती है? जब तुम ध्रुव ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि करो तब होती है, और तुम ध्रुव ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि करते नहीं, अपनी प्रभुता कहां ढूंढ रहे हो? इस मामले में एक एग्जांपल देता हूं, आत्मा कोई मोबाइल जैसा नहीं है जिसे चार्ज कर लिया जाए, समझ आया? कोई सम्यक दर्शन चार्ज जैसी चीज नहीं है, लगा दिया गया आधा घंटे में चार्ज हो गया चट्टी, ऐसा आत्मा नहीं है कि भगवान को आधा घंटा देखे और सम्यक दर्शन से चार्ज हो जाए, जिन वाणी पढ़े ने चार्ज हो जाए, समझ आया कि नहीं आया? बस सिंपल सी बात है, मीठी शक्कर को मीठी मान लेना सम्यक दर्शन है, ऐसे आत्मा को आत्मा मान लेना सम्यक दर्शन है, इसमें क्या तूफान है?
तो दो बात चार तत्व हो गए, कितने हो गए चार, कौन कौन से, जीव अजीव आश्रम बंध। अपनी प्रभुता बाहर ढूंढना दो कारणों से हो सकता है, एक तो मालूम ही नहीं होगी अपना सुख अपने में है, ये मिथ्यात के बस, अपना सुख अपने में है ये मालूम नहीं तो मिथ्यात के बस होकर ढूंढता है, नंबर एक। और एक अपना सुख अपने में है लेकिन स्थिरता ना होने के कारण बाहर में प्रवर्तना पड़ता है, बाहर में प्रवर्तना पड़ता है, सुख नहीं है लेकिन क्या करे कर्मोदय में बाहर जाना पड़ता है। इसकी चर्चा बाद में करेंगे थोड़ा, अब आ जाओ संबर निजरा, निजरा अधिकार तक आ रहे नहीं अपन। संबर क्या चीज है कि अब ऐसी मिथ्या मान्यता रुक गई, कौन सी मान्यता रुक गई कि बाहर से सुख होता है, मेरी प्रभुता बाहर है, मेरा आनंद बाहर है, मुझे कोई सम्यक दर्शन दे देगा, मैं किसी के चरणों में बैठूंगा तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, मैं किसी का प्रवचन सुनूंगा तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, अरे तीन लोक में मुझे अखिल विश्व शून्य नजर आने लगा, इसका नाम संबर। अब हमें सुख ज्ञान दर्शन चारित वीर की आशा नहीं रही, आशा नहीं रही, क्या कह रही, नमक में से किंचित मात्र भी मिठास की आशा नहीं रही, इसका नाम संबर है। अपनी प्रभुता अपने में दिखाई दे गई, सकर की मिठास सकर में नजर आ गई, इसका नाम संबर, कठिन तो नहीं। अब आइए निर्जरा, जिसके लिए प्रकरण चला है, निर्जरा एटले शुं, शुद्धिनी वृद्धि, शुद्धिनी उत्पत्ति ये संबर, और शुद्धिनी वृद्धि, सुनो अपनी प्रभुता अपने में देखने के बाद जो आनंद की वृद्धि होने लगी ये निर्जरा है, ध्यान से सुनना क्या कहा, अपने में अपनी प्रभुता देखने के बाद आनंद होने लगा, आनंद की वृद्धि होने लगी, इसका नाम क्या हुआ, निर्जरा है। यहां भी कुछ लिखा है अभी बताएंगे आप, थोड़ी यहां की भाषा में समझाएं कि पहले मोक्ष और बता दें, संबर निर्जरा मतलब अपनी प्रभुता अपने में देखी है, संबर निर्जरा शॉर्ट में, और अपनी प्रभुता प्रकट हो गई इसका नाम मोक्ष, 100% शुद्धता प्रकट हो गई इसका नाम मोक्ष, अनंत काल तक मोक्ष में, मैंने वो जो बात समझ गया आप सब तो उसकी ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे। अभी वापस आओ निर्जरा में, ध्यान से सुनना, यहाँ जो चर्चा चलने वाली है वो चौथे गुणस्थान से चलने वाली है, यथा योग बार में भी चला ना, यथा योग चौथा गुणस्थान इसलिए चला रहे हैं कि आपको यदि ये समझ में आ जाए तो अब भी चौथा हो जाए, क्यों समझा रहे हैं चौथे गुणस्थान की चर्चा, देखो क्यों, अब रोटी खाते हैं तो पाप लगता है कि नहीं लगता, व्यापार करते हैं तो पाप लगता है कि नहीं लगता है, बोलो शादी विवाह करते हैं तो पाप लगता है कि नहीं लगता है, लगता है ना, लगता है, उस मान्यता का खंडन है इधर कि नहीं लगता, रोटी खाने से पाप नहीं लगता ये कही समझना उल्टा नहीं पकड़ना, वो अभी पूरी बात आई नहीं है लेकिन आप समझो जरा, मैंने जो प्रवृत्ति होती है ना प्रवृत्ति, उसमें रहता हुआ भी ज्ञानी को निर्जरा होती है, बंद ना था, बंद नहीं होता इसका नाम निर्जरा है, बंद हो गए तो फिर बंद ही, निर्जरा काई की हुई कि नहीं पंडित जी, ऐसा नहीं है, मिथ्या दृष्टि को भी निर्जरा होती है और सम्यक दृष्टि को भी निर्जरा होती है, चर्चा तो बहुत है लेकिन मैं उन सब पॉइंटों को उठाना नहीं चाहता, एक अविपाक निर्जरा, एक सविपाक निर्जरा, एक अकाम निर्जरा, एक सकाम निर्जरा, समझ में आया, होती है ज्ञानी को भी होती है, चारों ज्ञानी को चारों होती है और अज्ञानी को दो होती है, अकाम निर्जरा होती है और एक सविपाक निर्जरा होती है, सविपाक माने फल भुगत भुगत करके जाना, सविपाक माने फल भुगतना और प्लस फिर से बंद जाना, सविपाक माने भुगतना और बंधना, दो काम हो गए, भुगतना जैसे समझ लीजिए मैंने इनसे 1,00,000 रुपया लिया एक महीने के लिए, तब आ गए लाओ साहब 1 महीना हो गया 1,00,000 दो, तो इनके ऋण से मुक्त होने के लिए मैंने इनसे 1,00,000 लेकर इनको दे दिया, तो ऋण मुक्त हुआ कि नहीं हुई, इसका नाम सविपाक निर्जरा, मैंने निर्जरा भी हुई और बंद भी गया, आगे समझ में आया, अभी इसकी ज्यादा व्याख्या मैं नहीं करना चाह रहा, जानबूझ के नहीं कर रहा हूं, क्यों मैं तो भूमिका बना रहा हूं इसकी केवल,
तो अज्ञानी को होती है ऐसी सभी पाक नजरा, इधर से लेके इसको कर्ज दे देता है, चुका देता है, और तीसरे से लेके दूसरे का चुकाता है, और चौथे से लेकर तीसरे का चुका देता है, तो ऋण मुक्त होता है कि नहीं होता है? व्यापार की भाषा में क्या बोलते हैं, इसकी टोपी उसके सिर बोलते कि नहीं बोलते? ऐसे ही बोलते नहीं? ऐसा कोई ऋण मुक्त नहीं होता, ये दृष्टांत हुआ। ऐसे ही अभी हम मिथ्या दृष्टि की बात नहीं करेंगे। मिथ्या दृष्टि रोटी खाता है और फौरन ऐसी भावना करता है ऐसी रोटी फरे कब से क्या क्या रे मर से क्या क्या रे फिर कब मिलेगी, ऐसा भोजन कब मिलेगा? यदि महीना भर में एक बार रसगुल्ला खाने को मिलता है ना, तो ऐसा लगता है अभी अच्छे से तृप्त हो गए खाओ, पता नहीं कब मिलेंगे। फिर रोज रोज तो बनते ही नहीं है, नहीं क्यों क्या होता है बोला? डफर सिस्टम में भोजन करने जाते हैं ना, तो सबसे पहले नजर कहाँ जाती है? ये दाल सब्जी तो रोज खाते हैं, रोटी तो रोज खाते हैं, पूड़ी तो चाय खा लेते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर कहाँ जाती है? दुर्लभ चीजों पर। तो सुना, ऐसा मिथ्या दृष्टि खाता हुआ बंधता है, और सम्यक ज्ञानी को निर्जरा होती है तो कैसे होती है, इसकी चर्चा करेंगे हम। मैं चाहूंगा यदि आप निर्जरा अधिकार का आनंद लेना चाहते हो तो आद्योपांत इसे पढ़ते चले मेरे साथ। तो शुरुआत के 10-15 पेज पढ़ लेना, मैं उन 10-15 का आपको थोड़ा सारांश कर रहा हूं यहां पर। अब भी हाल फिर से सुनो, समझ में आया कुछ कि ऐसा कैसे हो सकता है? भोगों में प्रवृत्तता हुआ, 96,000 रानियों में प्रवृत्तता हुआ, क्यों? जो 96,000 में प्रवृत्तता होगा तो उसे तो बहुत गृद्धता होती होगी, बहुत गृद्धता होती होगी, जभी तो 96,000 रूप बना करके भोगता है, जभी तो 6 खंड में जाता है, जभी तो वो इतना करता है। तो हमें तो नहीं समझ में आता, हमें तो ऐसा लगता है वो ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी तो ऐसा होना चाहिए जो शादी नहीं करे, ज्ञानी तो ऐसा होना चाहिए जो व्यापार धंधा नहीं करे, ज्ञानी तो ऐसा होना चाहिए बिल्कुल सीधा साधा कि उसे जैसा खाने मिल जाए तो शांति से खा ले। मैं उल्टा वो दृष्टांत दूं कि नहीं दूं? नहीं देना ही अच्छा है क्या? लेकिन आप डिलीट कर देना, मैंने उसे पहले ही कह रहा हूँ डिलीट कर देना। मैंने क्या गजब है, सम्यक दृष्टि के मन का भोग नहीं हो तो नाराज हो जाए, नाराज हो जाए, और नाराज होने पर भी नहीं बंधता, गजब देखो आप। मैंने समझ में आया कुछ पंडित जी साहब? फिर तो हमें बहुत ही मजा आएगा, कि मिथ्या दृष्टि तो नाराज नहीं हो तो भी बनता है। लिखा है इसमें, लिखा है मिथ्या दृष्टि नाराज नहीं दिखाई दे तो भी बनता है, भोग नहीं भोगे तो भी बनता है, और सम्यक दृष्टि के ठाटी ठाट हैं, खाओ पियो मौज करो और मोक्ष में जाओ। अभी समझ ना भैया, ये तो मैं आपको समझाने की पूरी तैयारी कर रहा हूँ, जितने भ्रम हो दूर कर लेना, नहीं तो गड़बड़ करो। समझ में आया भाई? हमें वो कला सिखानी है जिसके बल पर निर्जरा होती है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में है कि सम्यक दृष्टि तो खाता नहीं है, पीता नहीं है, कमाता नहीं है, शादी नहीं करता, कुछ 6 खंड नहीं करता, इसलिए उसको निर्जरा होती है, तो ठीक है। लेकिन यहाँ उसका निषेध करने के लिए इतने दृष्टांत दिए कि नहीं नहीं, इतना सब करता हुआ भी निर्जरा को प्राप्त होता है। आप इसको आद्योपांत पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। देखो इतने दिन आप जब तक अपन हैं यहाँ, तब तक आप इसका स्वाध्याय जरूर करें निर्जरा अधिकार का, और क्वेश्चन खड़े करेंगे तो मुझे बहुत आनंद आएगा। क्योंकि देखो अब तो सही बात यह है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है ना, तो वैसे ही आप जितना निकालोगे तो निकलेगा। मैं चाहूँगी अब दे दूँ निकाल के, अब नहीं दे पाऊँगा। अब तो ये समझो कि आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी तो आपको बहुत माल मिलेगा इसमें से। आगे इतना समझ में आए, फिर से बोलता हूँ, क्या कह रहे हैं? 5 इंद्री का विषय सेवन करता हुआ निर्जरा बंद को प्राप्त नहीं होता। अब बार बार बंद कह रहे हैं, नहीं तो लोगों को ऐसा लगता है तो क्या उसे बिल्कुल बंद नहीं होता? ऐसा लग सकता है किसी को बिल्कुल बंद नहीं होता कि नहीं उसे बंद होता है, लेकिन समय सारजी में मिथ्यात के बंद को बंद कहा, अनंतानुबंधी अनंत संसार का कारण को बंद कहा, बाकी बंद को बंद नहीं कहा। पॉइंट पकड़ में है? बाकी बंद को बंद नहीं कहा, माने इस अपेक्षा से ये बात कह रहे हैं, बाकी उसको बंद होता है लेकिन उस बंद को अभी नहीं गिनेंगे। ये तो ऐसी बात हो गई कि किसी ने 10,000 रुपये का ऋण लिया
और 9,999 रुपए चुका दिया, तो बताओ ऋणी है कि नहीं है। लेकिन एक रुपए के ऋण को ऋण गिनते नहीं है, क्योंकि उसने 99% लो मार्केट में ऐसा होता है कि नहीं होता है, 99% पेमेंट हो गया तो फिर कोई पूछे क्यों तुम्हारा वो होम लोन का क्या हुआ, वो तो चुक गया। हाँ भाई एक दो किस्त और बची बस, नहीं बोलते ऐसे, बोलो माने चुक गया। ऐसे ही जिनका मिथ्या तो टूटा, अनंतानुबंधी टूटी, उनको बंद नहीं होता। स्टोन समझ में आ गई पहले, बाकी होता है बंद नहीं होता, ऐसा नहीं तीन का साथ चौकड़ी है उतना बंद होता है। लेकिन अभी बंद की चर्चा नहीं करना है ना, इसलिए नहीं कर रहे हैं उसकी चर्चा। अभी गाय की चर्चा करना है निर्जरा। फिर से सुनो, तुमको ऐसा लगता है कि चक्रवर्ती को तो 96 रानियों में रमता हुआ, उसको तो अनंत अनुबंधी होना चाहिए, उसे तो अनंत संसार होना चाहिए। कितनी तीव्र परिणाम होते होंगे जो ऐसा करता होगा, खाता पीता कमाता करता होगा, तो उसको तो बहुत होता होगा। तो बहुत में समझो कि उसको नहीं होता, तो क्यों नहीं होता। अब ये प्रश्न खड़ा कर दिया। अब अपन निर्जरा अधिकार में कलश 134 पढ़ता हूँ, फिर गाथा 195 बताता हूँ, फिर और एक कलश बताता हूँ 135, और फिर एक आध गाथा और बताता हूँ। इतनी सारी गाथाएं भूमिका के रूप में आपको आज बता रहा हूँ। पहले नंबर देखो, वास्तव में वह सामर्थ्य ज्ञान की ही है। काय की सामर्थ्य है वो? वास्तव में वह सामर्थ्य, पैसे की नहीं, करोड़ वो चक्रवर्ती है इसलिए निर्जरा हो रही है, नहीं समझना। 96 रानी है इसलिए निर्जरा नहीं हो रही, और वह इतना सामर्थ्यशाली है इससे नहीं हो रही। वास्तव में वह सामर्थ्य ज्ञान की ही है अथवा विराग की ही है। दो शब्द लिए, ज्ञान विराग। एक निर्जरा काय के बल पर हो रही है, भोग के बल पर कि ज्ञान वैराग के बल पर? ज्ञान वैराग का दृष्टांत दूं, देखो एक महिला कह रही स्त्री, उसके घर में 1,00,000 रुपए का घाटा हो गया और पीहर में 1,00,00,000 का फायदा हो गया, तो आनंद कितना आता है बोलो? कितना आनंद आता है बोलो? ने एक स्त्री को अपने घर में, अपने घर समझिए ससुराल में 1,00,000 का घाटा हुआ और पीआर में 1,00,00,000 का फायदा हुआ, तो 99,00,000 का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? बोलो ना, 99,00,000 का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अरे कैसी बात कर रहे, हिसाब लगाओ। वो कहती है मेरा पीहर, मेरा घर। बताओ उसे 1,00,00,000 का फायदा नहीं लगता? क्यों नहीं लगता? उसके मम्मी पापा नहीं है वहां, उसके भैया भाभी नहीं है वहां, जन्म नहीं हुआ था उसका, उसी घर में नहीं रह रही। सब कुछ होने पर भी उसे एक, अच्छा सही बताओ, एक आध बार तो आनंद आ जाता होगा, नहीं आ जाता होगा? अच्छा कल्पना करो, इस स्त्री को पीहर में ही रह रही है वो, तब 1,00,00,000 का फायदा हुआ, अब तो आनंद आ ही जाता होगा। क्या गजब है, भैया भाभी के साथ वह भी मुस्कुराती है, मम्मी पापा के साथ वो भी मुस्कुराती है, और वो भी आरती उतारती है, मैंने जो कुछ नाटक नौटंकी है सब करती हो, लेकिन अंतर में एक बार भी आनंद की लहर नहीं आती। बोलो अब सुनो, 1,00,00,000 रुपए की जब प्रॉफिट होगी ना, तो पीहर में बहुत माल मसाले बनाए गए, बढ़िया पार्टी दी गई सब लोगों के लिए, तो वह स्त्री भी खा रही है रसगुल्ले, अच्छी अच्छी मिठाइयों का सेवन कर रही है, लेकिन सही बताना वो मिठाइयों का सेवन कर रही है कि नहीं कर रही? उसे तो ये कहीं हादसा लग रहा है कि मेरे घर में क्या गजब। ये है ज्ञान वैराग, खाती हुई भी नहीं खाती, सेवता नहीं सेवता, ऐसी गाथा है, सेवता नहीं। काय का चमत्कार है बता सकते हो? आखिर क्या हो गया बोलो? हड्डी पसली बोई है, सब कुछ बोई है, बात क्या हुई? अब उल्टा कर दो इसी दृष्टांत को, कि पीहर में 1,00,00,000 का लॉस हो गया और अपने अपने ससुराल में यानी अपने घर में 1,00,000 का फायदा हो गया, बोलो
अब सारा घर दुखी है, पियर का सारा घर दुखी, 1 करोड़ का लॉस, सारे घर में तूफान, शांति, सन्नाटा, शमशान, कोई खाने पीने तैयार नहीं है, दाल रोटी भी ऐसे ही खा रहे हैं, बिल्कुल रूखी रूखी मन से खा रहे हैं। उसे अमृत लग रहा है, क्या बात है, उसे अमृत लग रहा है वो दाल रोटी में भी, गलत है दृष्टांत की सही है। अब वो भी ऊपर से तो उदासीन दिख रही है, क्यों भैया भाभी का लॉस है, मम्मी पापा का लॉस है, तो ऊपर से तो उदासीन है, लेकिन अंदर अंदर तो ऐसे लड्डू फूट रहे हैं। काय का बल है जी, क्यों काय का बल है जी, ये है ज्ञान वैराग्य का बल। गजब। अब दो दृष्टांत हो गए, अब तीसरा दृष्टांत दे रही। अभी अपन ने शादीशुदा स्त्री ली थी, अब कुंवारी लड़की ले रहे हैं, कुंवारी लड़की केवल उसकी सगाई हो गई, बस क्या हो गई है उसकी सगाई, और वहां ससुराल में घाटा होए सगाई वाले घर में, और अपने घर में प्रॉफिट होए, क्या होगा बता सकते हो? एक शादीशुदा की प्रतीति और एक कुंवारी लड़की की प्रतीति में क्या अंतर होगा, बोलो क्या अंतर होगा, है? कुछ भी अंतर नहीं, उसे भी बिल्कुल वैसे ही लग रहा है, दिन रात सपने आ रहे, पता नहीं क्या हो रहा होगा, पता नहीं लोग कैसे पैसे खा गए होंगे, क्यों दे देते हैं उधार, मैं जाऊंगी तो कहूंगी पहले ही नंबर उधार मत देना, और उधार दो तो अच्छे से वसूल किया करो, मैंने यहीं से गुस्सा कर रही हो, यहीं से, ये कौन करवा रहा है इसे, अब तो समझ में आया। बस यदि आप दृष्टांत में कुछ समझे हो तो कन्या की प्रतीति, कन्या का अपनत्व, कन्या का एकत्व ससुराल में होने से उसका सुख दुख का कनेक्शन कहां से जुड़ा हुआ है, ससुराल से, समझ गए दृष्टांत। ऐसे ज्ञानी के आनंद की प्रतीति, श्रद्धा की प्रतीति, दृष्टि की प्रतीति ध्रुव ज्ञायक से जुड़ी होने से ससुराल में रहता, पियर में, पियर ही कह रहे इसको क्या कहे, अब दृष्टांत ही है, क्या करे, है जीप का पियर निगो देने ऐसा बोलते हैं क्यों, अभी दृष्टांत है वो, यहां रहता हुआ भी, खाता हुआ भी, उस सब मनाता हुआ भी, 96,000 में रमता हुआ भी, उसकी प्रतीति तो ज्ञायक से जुड़ी होने से निर्जरा हो रही है, निर्जरा हो रही है। मैंने तो जब जैन सिद्धांत प्रवेश का पढ़ाई थी तब एक दृष्टांत दिया था आपको, एक दृष्टांत कि जिसका पति एक्सपायर हो जाता है ना, वो कम रोती है, क्योंकि उसे तो रोना ही रोना है, तो कब तक रोए वो, 13 दिन तक कंटिन्यू बैठे रहो, वो लगा रहता ना चक्कर, बैठे बैठे रोती रहे, तो फिर वो थोड़े शुरू में तो ज्यादा रोती है लेकिन बाद में कम रोना शुरू हो जाता है। और हमारे बुंदेलखंड में तो पर्दा करते नहीं, तो पर्दा करके रोते कम है, मैंने दिखाते ज्यादा है, मैंने बोलते ज्यादा है, समझ आया, मैंने जिसका पति एक्सपायर हो गया वो कम रोती है, समझ गया कम रोने का मतलब, मैंने आंखों से आंसू कहां तक बरसाए वो 13 दिन तक, फिर लोग तो फिर आ गए, तो जो बाद में लोग आते हैं ना उनको ऐसा लगता है इनको दुख कम है, ऐसा लगता है। और जो अब भी हाल ही आए ना, कहीं अन्य नगर से आती ना घर में बैठने के लिए, लड़की आई तो लड़की तो आते से ही पछाड़ खा के गिर गई और ऐसे रोने लगी, और जो जिसकी जिसके पति एक्सपायर उसकी बहन आई, वो सुहागन है अभी, क्या कह रही, वो सुहागन है लेकिन ऐसे फूट फूट के रोई, मानो विधवा हो गई हुई, दर्शन समझ रहे क्या कह रहा हूं मैं, समझ रहे, मैंने जो विडो हो गई वो कम रो रही और जो विडो नहीं हुई वो ज्यादा रो रही, तो भी इतना तूफान से रोने पर भी, जोर जोर से रोने पर भी उसे प्रतीति में मेरा सुहाग जिंदा है, मैं किंचित मात्र भी विधवा नहीं हुई, मैंने ज्यादा रोने वाली को भी प्रतीति काय की चल रही है, मैं विधवा किंचित मात्र भी नहीं हुई, और वो नहीं रो रही, नहीं रो रही, कम रो रही, दिखावा ज्यादा कम हो रहा है, मतलब दिखावा कम हो रहा, ध्यान रखना अंदर में दुख कितना है उसको, कितना दुख है, कि दुख है उसे 100%। आगे दर्शन पकड़ में आया, ऐसे ही मिथ्या दृष्टि बाहर में आनंद करता हुआ दिखाई देता है तो भी आनंद दुखी, और सम्यक दृष्टि बाहर में दुखी दिखाई देवे तो भी अंतर में आनंद होगी। दिगंबर मुनिराज तुम्हें उपसर्ग परिसर में कैसे लगते हैं बोलो, ठंड गर्मी में कैसे लगते हैं बोलो,
बोलो कैसे लगती हैं? अरे भैया बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत दुख होता होगा, लेकिन उनकी प्रतीति ध्रुव से जुड़ी होने से, गायक से जुड़ी होने से अनंत आनंद है। और तुम ऊपर ऊपर से बहुत समझाए, बहुत आनंद करते हुए दिखाई दो, खूब पूजा करते दिखाई दो, ठाट करते दिखाई दो, आपका यदि विधान चल रहा हो तो ऐसी सारा पब्लिक जुड़ जाए उसमें, और दिगंबर मीरा एक स्थान पर शांत विराजे हो, उन्हें पूजा करने लायक नहीं लग रही, पूजा में विकल्प नहीं आ रहा, उन्हें पूजा सुनने की इच्छा नहीं हो रही, उन्हें तो आपने को कैसा लगता है कि अपन तो देखो कितना आनंद कर रहे, और मुनिराज कभी पूजा ही नहीं कर सकते, बताओ उन्हें कैसे आनंद आता होगा। तो सुनो, वे ऊपर से आनंद करते नहीं दिखाई देने पर भी उनकी प्रतीति कहां से जुड़ी है, इसलिए अनंत आनंद है। आगे समझ में आया? और हमारा ऊपर ऊपर से ज्यादा दिखाई देने पर भी प्रतीति गायक से नहीं जुड़ने के कारण दुख, ये क्या कह रही, दुखी है। मैं ये पॉइंट समझ में आया? अब मैं दृष्टांत दे रहा हूं, क्या कह रहे थे, ज्ञान और वैराग की सामर्थ्य है कि कोई सम्यक दृष्टि जीव कर्मों को भोगता हुआ भी, कर्मों को भोगता हुआ भी कर्मों से नहीं बनता, वह अज्ञानी को आश्चर्य उत्पन्न करती है। किसको? अज्ञानी को आश्चर्य होता है, ऐसा कैसे हो सकता है, जैसे रोटी हम खा रहे थे ऐसी तो वो खा रहे थे क्या, तो ऐसा कैसे हो सकता है उन्हें कर्म बनना हो, क्यों नहीं हो सकता, बता सकते हो, उत्तर दे सकते हो? क्योंकि उसकी प्रतीति कहीं और है। आगे देखो, दृष्ट गाथा आई, गाथा 195 नंबर की गाथा, ज्यों जहर के उपभोग से भी वैद्य जन मरता नहीं, क्यों, जहर खाने से मरते हैं कि नहीं मरते, जहर खाने से मरते कि नहीं, लेकिन यह दृष्टांत दिया, ज्यों जहर के उपभोग से भी वैद्य जन मरता नहीं, क्या गजब है, त्यों उदय कर्म जुभोगता भी ज्ञानी जन बंधता नहीं। समझ आ रहा कुछ, लाभ की बात लग रही कि नहीं, कि आपको ना तो बाहर का भोग छोड़ना है, ना बाहर की प्रवृत्ति छोड़ना है, बाहर का कुछ नहीं करना है, उल्टा मत पकड़ना, उल्टा बात सच्ची है, तुम बाहर का छोड़ कैसे सकते हो, वो तो कर्मोदय के प्रमाण है ना, यदि आपका कर्मोदय में लिखा है कि आपको इतने साल तक बंबई में रहना तो रहना ही पड़ेगा, जब तक शरीर में रहना तो रहना ही पड़ेगा, और रहोगे तो रोटी खाओगे, अब कैसे छोड़ दोगे बोलो, अन्याय अनिति अवक्ष नहीं करना, इसके बाद तो भोगना ही पड़ेगा कि नहीं भोगना पड़ेगा, भोगता हुआ भी ज्ञानी जन बंधता नहीं। एक सरल दृष्टांत दूं पहले नंबर जल्दी से, क्यों, घनघोर अग्नि में कूद सकते हो, कूद सकते हो, कूद सकते हो कि नहीं, अग्नि में पूरा मकान चारों ओर से जल रहा हो तो कूद सकते कि नहीं, हम तो कूद सकते हैं, कूद सकते हैं, अब मैं फिर पूछ रहा हूं, कूद सकते हो कि नहीं कूद सकते, बोलो ना, डर क्यों रहे, बोलो, नहीं कूद सकते, पंडित जी आप किस विधि से कूदोगे वो विधि हमें बता दो, हम भी कूद जाएंगे, जब आप कूद सकते हो ना तो कोई ना कोई विधि होगी ना उसकी, क्या नहीं, CBSE बोर्ड है ना इनका स्कूल, CBSE बोर्ड, उनकी हिंदी में पाठ है, एक आदमी ज्वालामुखी में जिंदा उतरा, और बुझे हुए ज्वालामुखी में नहीं, जलता हुआ, लाइव जलता हुआ ज्वालामुखी, जिसमें अंदर जाकर के 1500 टेम्परेचर, 500 या 1500 250 कितना ऐसा कुछ लिखा हुआ, उसमें कूद गया, कैसे कूद गया होगा वो जलते हुए में, और निकल के भी आ गया उसमें से, वो है एक धातु है ऐसी, वो ऐसी कूल रहती है धातु कि चाहे कितनी अग्नि में चली जाए गर्म ही नहीं होती, वो कोई एस वेस्ट नाम की कोई ऐसी धातु है, उसमें पाठ में लिखी हिंदी में, वो उस धातु की है ना भैया ऐसे, उसकी धातु से उसने सारे डिजाइन कपड़े बनाए पूरे पूरे, और उसके अंदर चला गया, तो अब मैं फिर पूछ रहा हूं, तुम जा सकते हो, यहां चले जाएंगे क्या, हमें अग्नि से डर थोड़ी है,
हमें तो अग्नि में जाकर के भी सुरक्षित रहने की विधि मिल जाए तो अग्नि से डरने की कोई जरूरत नहीं। ये दृष्टांत देना था। ऐसे यहां पर जहर खाने से हमें तकलीफ नहीं है। ज्ञानी जहर किस प्रकार से खाते हैं वो बताओ, वैद्य कैसे खाते हैं? क्या तुम जहर खाते कि नहीं खाते? जहर खाया कि नहीं खाया? बोलो ना, खाया कि नहीं खाया? खाते हो। जितने लोग दवाइयां खाते हैं उसमें लिखा रहता पॉइजन। नहीं खाते पॉइजन? देख लेना, देख लेना क्या लिखा रहता है पॉइजन। मात्रा लिखी रहती है 0.04। नहीं लिखा रहता कुछ? खाते तो हो लेकिन विधि से खाने से मरते नहीं, ये बताना है। ऐसे ही विधि तुम भी सीख लो कि पांच इंद्रिय के विषय भोग में तो तुम्हारी प्रवृत्ति अभी नहीं रुकेगी। कमाना धमाना खाना पीना घर में रहना ये तो अभी नहीं रुक सकता। आज की तारीख में सब मुनि नहीं बन सकते, बराबर। तो पंडित जी आप वो विधि बता दो बस कि जिससे मैं रहता हुआ भी ना बंधूं। तो उसकी विधि सुनो। वैसे तो बता दी ये सारे में, लेकिन सुनो कैसे नहीं बंधता। एक और दृष्टांत दिया बैराग का। बैराग का दृष्टांत ज्यों अरति भाव जु मद्य पी कर मत जन बनता नहीं। जैसे कोई शराब पीता है तो नशा आता है, लेकिन कोई विरक्त भाव से पिए, दृष्टांत है पीना मत। मैंने कोई पीना नहीं चाहता लेकिन जबरदस्ती पिला दी, उसे पिला दी तो उसे उतना नशा नहीं आएगा। लेकिन जो पहले ही नशे की कामना से पीता है ना उसे नशा ज्यादा आता है, ऐसे कह रहे हैं इसमें। ज्यों अरति भाव जो मद्य पी कर, मद माने शराब, अरति भाव से पीना नहीं चाहता लेकिन जबरदस्ती किसी ने पिला दी। कौन कौन स्वामी को भी दृष्टांत कहां से मिला देखा था जी है। मत जन बनता नहीं द्रव्योपभोग विषय अरत ज्ञानी पुरुष बंधता नहीं है। ऐसे ही द्रव्य का उपभोग करने वाला यदि अप्रीति भाव से अरुचि भाव से ज्ञाता भाव से, कौन से भाव से? ज्ञाता भाव से यदि प्रवर्ते तो नहीं बंधता। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया ना समझ में? देखो एक सरल दृष्टांत दे, मेरे पुराने दृष्टांत बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल सरल हैं और आपको याद भी है इसलिए जल्दी दूंगा और जल्दी निपट जाएगा कहाँ। आपको याद है अपन ने एक बार एक कल्लू ने एक लड़के से पत्थर फेंकवाया था, समझ आया? एक 8 साल के लड़के ने एक पत्थर लिया और जो कॉलोनी का मकान था वो क्या कहलाती बिल्डिंग कह रही थी टॉवर, एक सीधा निशाना साधा और कांच फोड़ दिया 8 साल के लड़के ने। तो उसमें रहने वाली महिला ने देख लिया कि ये कांच कौन ने फोड़ा, कि 8 साल के लड़के ने, है ना? तो फौरन दौड़कर आई और बच्चे को पकड़ लिया। क्यों हमारा गिलास क्यों फोड़ा आपने, क्यों फोड़ा? उसे पकड़ के अम्मा के पास ले गई कंप्लेंट करने के लिए। मालूम है, याद आ गया दृष्टांत सबको। अब कंप्लेंट किया तो अम्मा ने क्या जवाब दिया? क्यों मदर ने क्या जवाब दिया? कि मेरा लड़का कांच फोड़ सकता नहीं। कहती कि नहीं कहती? तो वो कह रहा हमने अपनी आंखों से देखा भैया कि तुम्हारे लड़के ने फोड़ा हो, नहीं हो तो पूछो इससे, इसने पत्थर फेंका था कि नहीं फेंका था। तो माँ ने उससे पूछा क्यों तुमने पत्थर फेंका था? हाँ। वो 8 साल का लड़का सत्यवादी ने क्या कहा? मैंने पत्थर फेंका था। तो तुम्हारे पत्थर फेंकने से कांच फूटा? हाँ फूटा था। तो अभी अम्मा कह रही है कि मेरा लड़का कांच नहीं फोड़ सकता। ऐसा हो सकता है क्यों? ऐसा हो सकता है कि अभी मेरे लड़के ने कांच नहीं फोड़ा? तो उसने उसी महिला के सामने उस बच्चे से पूछा क्यों फोड़ा था, किस खुशी में फोड़ा था? क्यों एक कल्लू है ना, और कल्लू कल्लू समझते हो बम्बई में क्या कहते हैं? भाई। क्या कहते हैं? वो भाई नहीं है, वो भाई 20 साल का भाई। उसने कहा था लगे लगे 10 रुपए देंगे, 5 रुपए देंगे, टॉफी देंगे, लगे यदि तेरे निशाने लगाने की ताकत हो तो। वो चढ़ाते थे तीख पर,
टीक पर नहीं चढ़ा देते क्या? तुम कितने साल के हो? कि 8 साल का। अरे यार तुमने अभी तक निशाना लगाना नहीं सीखा है। क्या बात करते हो, मैं निशाना लगा सकता हूँ? अच्छा ले ये पत्थर ले, लगा निशाना। लगा दिया निशाना, मैं तो खुश हो गया कि मैं तो जीत गया। बताओ भैया, अब मैं फिर पूछ रहा हूं, किसी दूसरे के कहने से उसने कांच में पत्थर मारा, कांच फोड़ा, तो उस लड़के ने कांच फोड़ा कि नहीं फोड़ा? बोलो भैया, बोलो, नहीं फोड़ा। क्यों नहीं फोड़ा प्रश्न? क्योंकि उसने अपने ज्ञान दर्शन का प्रयोग करते हुए नहीं फोड़ा, दूसरे के कहने से फोड़ा, दूसरे ने फोड़वाया। अब उस महिला को क्या लगेगा बोलो? उस महिला को फौरन क्लिक होगा, क्या क्लिक होगा? अरे इस बच्चे का क्या दोष है, ये तो 8 साल का है। अरे वो व्यक्ति मेरे से शत्रु है, उसने बदला लेने के लिए बच्चे के माध्यम से कराया है। बताओ असली अटैक किस पर करेंगे हम, वो 20 साल वाले पे कि 8 साल वाले पे? आगे दर्शन समझ में आया? हा हा हा, क्यों सद्दाम हुसैन को किसने फांसी दी बता सकते हो? हाँ बोलो, नाम बोला। अच्छा तो बुश इराक गया था, हमने तो सुना है वो सो रहा था उस समय। क्या बुश सो रहा था कि फांसी दे रहा था? बोलो बोलो कि पंडित जी आप नहीं समझते। क्यों, जो भी प्रोसेस दिखाई दे रही थी वो कुछ और है, असली फांसी देने वाला व्यक्ति तो एक दिन भी युद्ध के मैदान में नहीं आया। और तख्ता पलट किसने कर दिया? बोस ने। वो एक दिन भी एयर कंडीशन से नहीं निकला, बल्कि हमने तो अखबार में पढ़ा था जिस दिन पहला अटैक हुआ था वो व्हाइट हाउस के अंडरग्राउंड में चला गया था। पता ही नहीं था लोगों को अंडरग्राउंड कहां चला गया वो कौन। आगे समझा रहा है वो कुछ, मने प्रवर्तता हुआ भी नहीं प्रवर्तता, और नई प्रवर्तता हुआ भी प्रवर्तता है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि भोगों में प्रवर्तते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वो कर्मोदय के प्रेरे हैं, इसलिए वो जानते हैं। अब बस यही सुनो, यही सुनो, बस यही विधि है कि वो जानते हैं कि कर्मोदय की चीज है, मैं इनका भोगता नहीं, मैं तो ज्ञाता हूं। इतने से इतनी सी करेक्ट नॉलेज इसके बल पर नहीं बनता। बोलो बंद रहा है कि नहीं बंद रहा? आगे समझ में आया? इतना सा काम करना है कि मैं मात्र ज्ञाता हूं भोगता। कल रात का प्रवचन जोड़ लेना इस चर्चा में, कल रात का प्रवचन जोड़ना पड़ेगा आपको। कल रात को चल गई चर्चा, वास्तव में आत्मा तीनों काल ज्ञाता है, लेकिन मानता है कि मैं भोगता हूं। मैं इसलिए फंस गया, बंबई में राज ठाकरे का नाम बहुत चलता है। नहीं मुझे भी उनका नाम लेने में डर लगने लगा। क्या वो तोड़फोड़ तो किसी और ने की थी ना, उन लड़कों ने की थी, और अरेस्ट किसको किए? तो राज ठाकरे कह सकते हैं आप मेरे फिंगरप्रिंट्स देख लीजिए, बताइए मेरे फिंगरप्रिंट्स कहाँ हैं? मैंने किसी बस को हाथ लगाया हो, किसी से कहा भी हो, मेरा एक 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 आध SMS ढूंढ के बताओ, एक आध मेरा बताओ, मैंने किसी को फोन करके कहा हो कि तोड़ फोड़ करो, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। और देख लेना छूट जाएंगे वो। क्यों छूट जाएंगे? क्यों छूट जाएंगे? हालांकि ये तो दृष्टांत है, कर्मों में तो नहीं छूटेंगे। आखिर बात क्या है कि प्रवर्तता हुआ भी नहीं प्रवर्तता है। भैया जब इतने लोग मारे गए थे ना उत्तर भारत के, तब तुम कमरे में बैठ के प्रसन्न हो रहे थे, इस प्रसन्नता के कारण हमें मालूम पड़ गया कि नई प्रवर्तता हुआ भी प्रवर्तता है। आगे समझ में आया? नई प्रवर्तता हुआ भी प्रवर्तता है, और प्रवर्तता हुआ भी नहीं, इसका भी दृष्टांत दूं, प्रवर्तता हुआ भी नहीं प्रवर्तता। आपको पता है कभी भी असली आतंकवादी नहीं पकड़े जाते, मालूम है सबको? क्यों? क्योंकि वैसे चलते फिरते किसी से, ए जरा ये साइकिल वहां रख दिया ना, साइकिल में बम मान दिया, ये साइकिल वहां रख देना बेटा, ये लो 100 का नोट। तो अब पुलिस कौन को पकड़ेगी? और रखने वाले को पकड़ेगी? तो असली तो पकड़ाएगा ही नहीं। कल्पना करो कि जिसने केवल 5 मिनट का इन्वॉल्वमेंट दिया था अपना साइकिल रखने में,
और पुलिस उसे पकड़ भी ले तो क्या मिलेगा उसे? बाद में मालूम क्या होगा, उसे छोड़ दिया जाएगा। छोड़ दिया जाएगा क्योंकि वो प्रवर्तता हुआ भी नहीं प्रवर्तता। क्या गजब है, ऐसे ही सम्यक दृष्टि बम बांधता हुआ दिखाई देता है। क्या कह रही, सम्यक दृष्टि पांच इंद्री के विषय सेवन करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो ज्ञाता है। क्या ज्ञाता है कि ये सब कर्मोदय के खेल हैं। असली स्मगलर, असली क्या कहलाते हैं, स्वयंभू कमांडर। आतंकवादियों का कमांडर कौन है? कर्म, कर्म है। मैं तो मात्र ज्ञाता हूं, वो जिस प्रकार से प्रवर्तताता है मैं उसे जानता हूं। मैं चाह कर हट भी नहीं सकता। आप देख लेना, आप चाह कर हट भी नहीं सकते और चाह कर लग भी नहीं सकते, लेकिन हटते समय हटने का ज्ञाता, लगते समय लगने का ज्ञाता। इतनी सी विधि सीख लेने से सम्यक दृष्टि नहीं बंधता। आगे समझ में आया कि नहीं आया? इतनी सी विधि सीखना। अब इसमें अगला जो कलश है, कलश उसकी चर्चा कल करेंगे हम। अब पढ़ करके आना, कौन सा कलश? नंबर 135। मैंने अभी तक हमने इतनी चर्चा में भूमिका बना ली, अपनी भूमिका बना ली। इसकी बात कहेंगे कि भोगों के काल में भी सम्यक दृष्टि को निसंकेतं, क्या निसंगता होती होगी, इसकी चर्चा करूंगा। बहुत सुंदर चर्चा है। मैंने मतलब मूल चर्चा तो वही उठानी मुझे, ये तो थोड़ा उसकी भूमिका बना ली। कितनी भूमिका समझ में आई? सात तत्व रूप और सात तत्व में निर्जरा, और निर्जरा भी कौन सी? चौथे गुणस्थान की। और चौथे गुणस्थान क्यों ली? क्योंकि वो पांच इंद्री के विषय सेवन को करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमें ऐसा लगता है इसमें और हमें क्या फर्क है? जैसा सम्यक दृष्टि वैसी मिथ्या दृष्टि, फर्क क्या है? कि मिथ्या दृष्टि अनंत संसार में बंधता है और सम्यक दृष्टि नहीं बंधता, अर्थात उसको निर्जरा होती है। ये चर्चा करती हुई अपने चर्चा इतना सारांश बता दिया आज की चर्चा का। अब फिर विचार करना और पढ़ के जरूर आना, तो मुझे बहुत आनंद आएगा। ओम नमः शिवाय।